जो अपनी पिटीशन डाली है उसमें कौन से उपाय सुझाए हैं? एक और सवाल है इसमें कि यदि कोई मरने ही वाला है, जाहिर सी बात है, अब उसमें आप एक तरह से जब जैसे ही किसी को डेथ सेंटेंस मिल रहा है तो उतना ही तनाव में है, अब उसके लिए आप ये कह रहे हैं कि 10 मिनट नहीं, उसको 5 मिनट में मारो, उसमें उसकी डिग्निटी की रक्षा होती है, क्या आपका ये मानना है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज इस पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर ही, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर आर्म फोर्सेस एक्ट, लाइक आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयर फोर्स एक्ट, इसके अंदर जब कोई कोर्ट मार्शल होता है और कभी कोई कोर्ट मार्शल उनको डेथ सेंटेंस देती है किसी कंडेम्ड प्रिजनर को, तब कोर्ट के पास दो विकल्प होते हैं, या तो हैंगिंग या शूटिंग। तो कहीं ना कहीं मेरा एक ये भी सवाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसे क्यों है कि आईपीसी ऑफेंसेस में सिर्फ आप हैंगिंग के जरिए किसी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कोई आर्म फोर्सेस के अंदर किसी को अगर आपने डेथ सेंटेंस देनी हो तो दो विकल्प हैं। डेट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी आर्म फोर्सेस एक्ट समझती है कि शूटिंग जो है एक लेस पेनफुल है, लेस टॉर्चरस तरीका है किसी को एग्जीक्यूट करने का। रही बात आपके दूसरे सवाल की कि नेचुरली जो आदमी मर रहा है उसके लिए तो एक तनाव की बात है कि वो 5 मिनट बाद मरे या 30 मिनट बाद मरे, लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसके अंदर ये बोला गया है कि जितना आप मिनिमाइज कर सकते हैं वो सफरिंग किसी आदमी को, अगर आप ये सुबह 6 बजे अमूमन हैंगिंग होती है हमारे हिंदुस्तान की जेलों के अंदर, अगर आप किसी आदमी के सामने आप एक दिन पहले रस्सी आती है, एक मनीला रोप कहते हैं जब हैंगिंग का प्रोसीजर होता है, वो रस्सी को आप 2 या 3 दिन पहले आप उस आदमी के वेट के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से, उसकी फिजिक के हिसाब से वो रस्सी को आप बोरी के साथ बांध के आप चेक करते हैं कि क्या जब एक्चुअल ड्रॉप होगा एग्जीक्यूशन के टाइम पे तो क्या वो रस्सी के जरिए जो आदमी की नेक होगी क्या उसका फ्रैक्चर प्रॉपर तरीके से होगा नहीं होगा, ये सब बातें उस आदमी को आइडिया हो जाता है कि वो रस्सी आ गई है। उसके बाद आप उसकी कल्पना करिए कि एक आदमी जो कि अगले दिन जिसको फांसी लगने वाली है उसके मनोदशा क्या होगी, बिकॉज जिस दिन एग्जीक्यूशन होती है 6 सोल्जर्स या 6 जो जेल के सुपरिटेंडेंट के जो लोग होते हैं वो आते हैं, उनको फांसी, उनको हथकड़ी लगाते हैं, उनके पैरों पे बेड़ियां लगाते हैं, 2 आगे चलेंगे, 2 साथ चलेंगे, 2 पीछे चलेंगे, उसके बाद उनको एक स्काफोल्ड जिसे कहते हैं या वुडन प्लैंक वहां पे ले जाते हैं, उनका फेस को काले कपड़े से ढका जाता है, उसके बाद इशारे करने के ऊपर उनको कम से कम 30 से 45 मिनट लटकाया जाता है ये असर्टेन करने के लिए कि क्या डॉक्टर साहब ने ये बात बोल दी है कि वो अब कंप्लीटली पूरी तरह से मर चुके हैं। ऐसे केसेस सामने आए थे अमेरिका के लीगल हिस्ट्री के अंदर कि कई बारी एक ड्रॉप हल्की सी भी गलत हो, 1.5 इंच का अगर फर्क हो, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 1.5 इंच का भी फर्क हो नेक के ऊपर बांधने का, तो कई बारी ऐसे केसेस आए कि सर तो धड़ से अलग हो चुका है पर आदमी पूरी तरह से मरा नहीं है। आप ये कल्पना करते हैं कि कितना बार्बरिक तरीका है किसी को एग्जीक्यूट करने का। अमेरिका के अंदर पहले हैंगिंग बहुत प्रचलित थी, लेकिन जब उन्होंने रियलाइज किया कि एप्रीहेंशन बहुत बढ़ जाती है, पेन बहुत बढ़ जाती है, एक इनह्यूमन तरीका बहुत बढ़ जाता है, तब उन्होंने शूटिंग या इलेक्ट्रोक्यूशन जैसी चीजों को अपनाया। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन है कि आर्म फोर्सेस एक्ट के अंदर आप शूटिंग जैसी जो कि दो विकल्प देते हैं तो आईपीसी के अंदर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? और शूटिंग के अंदर लॉ कमीशन ने एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक बेसिस पे एक चार्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर लॉ कमीशन ने यह बोला है कि जहां पे हैंगिंग 30 से 45 मिनट लेती है किसी को एग्जीक्यूट पूरी तरह घोषित करने पे, वहीं शूटिंग या इलेक्ट्रिफिकेशन जो है 5 से 2 मिनट का टाइम लेती है। अब आप खुद ही कल्पना करते हैं कि प्रोलॉन्ग करनी चाहिए किसी की डेथ या क्विक और इंस्टेंट होनी चाहिए।